हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th से 13 जुलाई की करंट अफेयर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? विच कंट्रीज स्क्वैश प्लेयर रानिम एल वेली हैज अनाउंस द रिटायरमेंट, और वो किस देश की खिलाड़ी है? वो खिलाड़ी है इजिप्ट की। ये 31 ईयर ओल्ड है और ये वुमेन्स वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन है। इनके हस्बैंड तारेक मोमेन वो कौन है? वो है मेंस वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है पाउंड। अब यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखते हैं। प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफा मेडबोली और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब जब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है तो इसके बाद वहां की जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन बन गई है वुमेन्स कैटेगरी में, वो है नोरेन गोहर। अब इसके ट्रिक देखते हैं। वेली नहीं थी, सारे काम करती थी इसलिए स्क्वैश से रिटायरमेंट ले ली। वेली नहीं थी, सारे काम करती थी इसलिए एक खेल से या स्क्वैश से रिटायरमेंट ले ली। यानी कि वेली से बनेगा रानिम एल वेली का नाम और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है किससे? स्क्वैश से। अब जो हमारी कैपिटल करेंसी थी उसकी ट्रिक देखते हैं। मस्ती मारता था अब्दुल फटाफट कार्य करके पटाके पाउंड ले जाता था। मस्ती मारता से क्या बनेगा? मुस्तफा मडबोली का नाम। अब्दुल फटाफट अब्दुल फतेह अल सीसी जो राष्ट्रपति है यहाँ के, कार्य से कायरो जो यहाँ की कैपिटल है, पटाकर इजिप्ट का पट उसे क्या बना? पटाकर। और पाउंड ले जाता था यानी कि यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड हमसे बोला जा रहा है किसे वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड फॉर द ईयर 2020? और ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को अवार्ड दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देता है यूएस जर्नल बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ये अवार्ड दिया जाता है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बाज। क्यों? कौन है? थॉमस बाज। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लुसेन लैंड से कमेटी के लिए अवार्ड लाया। लुसेन लैंड से कमेटी के लिए अवार्ड लाया यानी कि लुसेन स्विट्जरलैंड में IOC को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? ईयू ग्रीन जर्नल बिल्डिंग अवार्ड लीडरशिप का। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने का घोषणा की है या इसका निर्णय लिया है? Which state government has recently announced not to use Chinese equipment and devices? और वो कौन सी सरकार है? वो सरकार है हमारी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एयरलाइंस के साथ समझौता किया है? Which bank has recently tied up with Bajaj Alliance to offer life insurance products के लिए? और वो किसके साथ किया है? करूर व्यासा बैंक। ये कल हमने पॉइंट किया था, करूर व्यासा बैंक ने किसी और के साथ किया था। तो मैंने वहां पे आपको इसका हेडक्वार्टर और इसके CEO का नाम बताया था, बता सकते हो? करूर व्यासा बैंक, इसके जो MD और CEO हैं, उनका नाम है रमेश बाबू। इसका हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु के अंदर। अब है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 मार्च 2001 को और इसके CEO उनका नाम है तरुण चुग। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अपना काम करो बाजा बजाओ यानी कि करूर व्यासा बैंक ने बजाज एलायंस के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए डीलिंग की है या टाइप किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण
संधि को खत्म करने का घोषणा की है. Which country has announced the abolition of the extradition treaty with Hong Kong in protest against the implementation of Chinese national security law? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा. यहाँ की करेंसी है डॉलर. और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन. और यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन आयोजित किया गया है? इन विच कंट्री इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये किया गया ब्रिटेन के अंदर. ब्रिटेन कैपिटल लंदन. पीएम बोरिस जॉनसन. और ये 3 दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जो 9 से 11 जुलाई के बीच में आयोजित की गई. यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया था या भाग लिया था. इसकी जो थीम थी इस साल की वो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड. ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं. इसकी ट्रिक वैसे तो बनती नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ. ब्रिटेन जो है वर्ल्ड में ग्लोबली काम करता है, यानी कि ग्लोबल वीक कहाँ मनाया गया? ब्रिटेन के अंदर मनाया गया. नेक्स्ट पॉइंट, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है? बीसीसीआई हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ विच ऑफ इट्स सीईओ. और उनका नाम है राहुल जोहरी. राहुल जोहरी जी ने बीसीसीआई के सीईओ की पोस्ट से रिजाइन दे दिया है. बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली. बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर. BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ क्रेडिट काउंसिल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? इन विच कंट्री हैज अ फॉरेन न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स बैन ऑल प्राइवेट न्यूज चैनल्स इन इंडिया. और वो कौन सी कंट्री है? वो है नेपाल. नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू. नेपाल के प्रधानमंत्री उनका नाम है ओपी कोली. नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी. अब इसकी डेट देखते हैं. कॉल किया एक पल नहीं लगाया भंडारी ने. कॉल से बनेगा ओपी कोली. एक पल यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और भंडारी ने जो यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के अमेज़ोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अमेज़ोनिया सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री. और इन्होंने किस कंट्री के अमेज़ोनिया सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बोला है? वो बोला है ब्राजील के लिए. इसरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में. अब ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया. ब्राजील की करेंसी है रियल. ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जेयर बोल्सोनारो. और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम यानी कि प्रेसिडेंट का नेम है दिल्मा रोसेव. और जो सैटेलाइट है इसरो कब लॉन्च करेगा? ये करेगा अगस्त के अंदर. और जो ये लॉन्च कर रहा है इसरो यानी कि इंडिया का कर रहा है ना, तो इंडिया और ब्राजील के बीच में 2014 जो 6th ब्रिक्स समिट था जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके रहते हुए अब इसरो अगस्त के अंदर ब्राजील की सैटेलाइट को लॉन्च करेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को मिला देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा? यानी कि कौन सी स्टेट का नादौन पुलिस स्टेशन, उसको स्टेटस मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री? और वो कहाँ का है? वो है हिमाचल प्रदेश का. हिमाचल प्रदेश. और ये इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? इसकी अनाउंसमेंट की है अमित शाह ने, जो हमारे क्या है होम मिनिस्टर है. और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की है 9 जुलाई को. ये रैंकिंग जो निकलती है पुलिस स्टेशन की वो निकालती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.
और ये जो रैंकिंग है ये दो स्टेज की प्रोसेस है, मतलब दो स्टेजेस के बाद इनकी ये रैंकिंग निकलती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे कि हर स्टेज के अंदर यानी कि जहाँ पे 750 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है वहां पे वो 3 पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं, अदर स्टेट्स में से वो 2 सिलेक्ट करते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे एक एक उन्होंने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक सर्वे करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर, यानी कि क्राइम देखते हैं, क्राइम प्रिवेंशन को देखा, एग्जीक्यूशन देखा, लॉ एंड ऑर्डर को देखा, जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट निकालते हैं। और उसके अंदर जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कौन सा बना है, हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसकी जो थीम थी इस साल की वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, यानी कि कोविड को खत्म करते करते कैसे हम वुमेन और गर्ल्स की उनकी हेल्थ को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ट्रिक देखते हैं, 11 साल लगे पॉपुलेशन कम करने में, यानी कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट हैज टाइड अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट आर्ट्स क्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर, और वो कौन सी राज्य सरकार है, वो हमारी है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री है B.S. येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल वजूभाई वाला। अब जो इन्होंने टाइप किया है इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो लोकल बिजनेस है उसको इंक्रीज किया जाएगा। अब फ्लिपकार्ट के CEO का नाम, फ्लिपकार्ट के CEO है, उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, और जो इसके COO हैं और उनका नाम है श्रीराम वेंकटेश्वर रमन। इसका फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। अब इसके ट्रिक देखते हैं, नाटक ना कर फ्लिपकार्ट से सब कुछ मंगवा सकते हैं हैंडलूम्स भी, नाटक ना कर फ्लिपकार्ट से सब मंगवा सकते हैं हैंडलूम भी, यानी कि फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका सरकार के साथ आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, एक टाइप किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, और उनका नाम है ज्ञानेंद्र नेगोम्बम। ये क्या बने हैं, हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। हॉकी इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है राजेंद्र सिंह। अब ये नए प्रेसिडेंट बने हैं तो वहां के जो पहले थे ना उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है, और जिन्होंने रिजाइन दिया है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तक अहमद। और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इनको सितंबर 2022 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ज्ञानी है हॉकी वाला राजेंद्र, ज्ञानी है हॉकी वाला राजेंद्र, यानी कि हॉकी इंडिया के डायरेक्टर जनरल या सेक्रेटरी जनरल का नाम है राजेंद्र सिंह, और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है ज्ञानी से क्या बनेगा, ज्ञानेंद्र, ठीक है। और ज्ञानेंद्र निगमम ये कहां से बिलोंग करते हैं, कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। रिसेंटली अ टीम ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ विच सिटी यूज्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटेक्ट RNA वायरस प्रेजेंट इन सलीवा सैंपल्स, और वो कौन सी सिटी है, वो है मुंबई। वो कौन सी सिटी है, मुंबई। मुंबई में टाटा के बहुत सारे शोरूम है, मुंबई में टाटा के बहुत सारे शोरूम है, वहां से याद कर सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट देखते हैं,
ली सियन लुंग एक बार फिर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ली सियन लुंग हैज अगेन बिकम द प्रेजिडेंट सॉरी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और वो कहां के बने हैं? वो बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर, सिंगापुर की करेंसी क्या है? डॉलर। सिंगापुर के राष्ट्रपति यानी कि वहां के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? हलीमा याकूब। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हाल ही में सिंग किया सॉन्ग, हाल ही में से क्या बनेगा? हलीमा याकूब जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सिंग से क्या बनेगा हमारे पास? सिंगापुर जो कंट्री का नेम है। और सॉन्ग से बनेगा ली सियोंग लुंग जो यहाँ के नए वापिस से क्या बने हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 ASIG 716 असोल्ट राइफल खरीदने जा रही है? मतलब भारत और चीन विवाद के बीच में भारतीय सेना किसके साथ खरीदने जा रही है, और वो किसके साथ खरीद रही है? अमेरिका के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? इंडिया हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन विच कंट्री? और वो कौन सी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है? वो करता है ब्रिटेन के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंडिया ने अपने सारे टन्स लगा दिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के लिए सारे टन्स लगा दिए, यानी कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? Which company has announced to invest US 10 billion in India? और वो कौन सी कंपनी है? वो है गूगल। गूगल के CEO सुंदर पिचई ये कितना लगा रहे हैं? US 10 billion लगा रहे हैं। और अगर मैं रुपीस की बात करूं तो हो जाएगी 75,000 करोड़ रुपीस। इसके थ्रू क्या होगा? और ये किसके अंडर लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के अंदर। इट विल यूटिलाइज इन अनदर 5 to 7 years। और ये कितने सालों तक यूटिलाइज होगा? 5 से 7 सालों के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गूगल पे देख लो कि हम इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि गूगल कंपनी ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? और वो कौन सी है? वो है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? भूपेश बघेल। और यहाँ के जो हमारी गवर्नर है उनका नाम क्या है? अनुसुईया उकाई। छत्तीसगढ़, अगर मैं ई लोक अदालत की बात कर रही हूँ तो यहाँ के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है P.R. रामचंद्र मेनन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। छत पे जाने की लत थी उसे, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला जो देश बना है वो कौन है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द ग्लोब पेंडेमिक COVID-19 वैक्सीन? और वो कौन सा है? रशिया। रशिया के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और इनको एक्सटेंशन मिला है कब तक के लिए? 2036 तक के लिए ये राष्ट्रपति रहेंगे। रशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मिकेल मशतिन। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है मलाला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मलाला डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 12 दिन। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इंडियन रेलवे
ट्रांसपोर्टेड ड्राई चिली फ्रॉम गंटूर टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो कौन सी है हमारी, वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है विश्वा भूषण हरिचंदन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, अंदर नहीं रखते मिर्च बंगले में, अंदर नहीं रखते मिर्च बंगले में, यानी कि आंध्र प्रदेश और इंडियन रेलवे ने इसके साथ पहली बार किस राज्य से भेज रहे हैं बांग्लादेश को, अंदर से बनेगा आंध्र प्रदेश और मिर्च भेज रहे हैं बंगले से, यानी कि बांग्लादेश बनेगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बताइए, ढाका, करेंसी टका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। Which country has recently ranked in the Guinness Book record for the largest camera trap wildlife survey? और वो कौन सी कंट्री है, वो कंट्री है इंडिया, कौन सी है इंडिया। अच्छा, इन्वायरमेंट की बात हो रही है वाइल्ड लाइफ की, तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावेदकर जी। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, महाराष्ट्र। आज हमने 11 से 13 जुलाई की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। अब आने वाले सेशंस के अंदर हम हमारी जुलाई की फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों की एक अलग अलग सेशंस को करेंगे, ताकि हमारे जुलाई के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। Thank you.